नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज शॉर्ट। अभी हम मिल चुके हैं कुटुम्बा के जिला पार्षद सह औरंगाबाद के जाप के जिला अध्यक्ष हुए और ये काफ़ी क्रांतिकारी नेता हैं, अपने भाषण के लिए जाने जाते हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं इनका कार्य क्षेत्र के बारे में, जिला परिषद के रूप में इनका कार्यकाल कैसा भी चल रहा है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे जाप को लेकर कि पार्टी में अभी क्या चल रहा है। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। नमस्कार, आपके स्वागत में हम सब लोगों का। हमारे दर्शकों को अपना नाम और पद बता दीजिए सर। मैं सुरेंद्र यादव, जिला परिषद जन अधिकार पार्टी के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष के रूप में हूँ। मैं पहला बार लड़ा था, उसके पहले मैंने 2001 से कंटिन्यू मुखिया रहे, बीच में एक टर्न गैप था और बाकी कंटिन्यू मैं मुखिया रहा कर्मा बसंतपुर पंचायत के कुटुम्बा प्रखंड में। मतलब प्रमोशन हुआ, मतलब जनता आपसे खुश है, जो समझिए जनता की बात है। भविष्य में विधायक बनने के भी सोच रहे हैं? जैसे हम लोग तो पूरे बचपन से जब इंजीनियरिंग किए, पढ़े लिखे, उस समय से ही समाज की सेवा में हैं। जी। पढ़ते थे जब पटना रहते थे, उस समय भी हम लोगों ने सेवा के रूप में रहते थे। कोई आदमी घर से जाता था, रहना खाना खिलाना और कोई काम हो तो नहीं भी परिचय हो उनके घर तक जाना, अपनी बात रखना, हो गया भी तो ठीक, ना भी हो गया तो ठीक। चूँकि उस समय हम लोग बच्चे थे, कोई मान लिया तो अच्छी बात है, नहीं माना तो हम लोग हंसते घूर भी जाते थे। बाकी तो ये बात आपने कहा, मैं क्रांतिकारी तो नहीं हूँ लेकिन समाज की सेवा करना चाहता हूँ, करता हूँ, है नहीं, जो बात होता है बेखूबी से। जो हमारे हमने सर आपका भाषण सुना है सर बारून में, इसलिए सर हमको लगा कि बारून का भाषण तो निश्चित रूप से बहुत ही मैंने एक दुख दर्द था, जो वहाँ की प्रशासन ने जो वहाँ के लोगों पे जो बर्बरता कर दिखाया था। महिलाएं घर में थी, जो स्नान कर रहे थे उन लोगों को भी नहीं छोड़ा, उन लोगों को भी जाके पीटा। और उस परिस्थिति में जन अधिकार पार्टी बारून में जाके खड़ा हुआ, तब जाके वहाँ थोड़ा सा शांति मिली, लोगों ने वापस हुए, नहीं तो बहुत ही आतंक था। तो एक बात जानना चाहेंगे सर, आप जन अधिकार पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और पार्टी भी सर लगभग बिहार में सभी लोग उसको जान ही चुके हैं, लेकिन सर पार्टी के साथ भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सर वो भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसका कारण क्या है? देखिए, बात तो ये है, पप्पू यादव निश्चित रूप से दुनिया के हर जनता की सेवा करना चाहते हैं, सेवा करते हैं। वोट देना ना देना उससे कोई खास मतलब तो है ही, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी महत्व रखता है। लेकिन बात ये रह गई, वोट यहाँ फंस जाता है। मेरा मानना है कि जब ही RJD के लोग वोट देना चाहते हैं पप्पू यादव के, तो लगता है ये BJP जीत जाएगा, और BJP वाले लोग अगर वोट देना चाहते हैं तो RJD जीत जाएगा, और वोट वो यथावत फिर वही आन के रुक जाता है। धीरे धीरे लोगों ने इच्छा बना रहा है, पप्पू यादव का ग्राफ बढ़ रहा है, इसमें कभी घट नहीं रहा है, फैंस फॉलोइंग बढ़ रहा है सर, वोटिंग की संख्या नहीं बढ़ रहा है। वोटिंग भी बढ़ेगा, निश्चित रूप से वोटिंग बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा। पूरे लोगों को के बारे में जान गए हैं, सारे पॉलिटिकल लोगों के बाद में है। अब चूँकि पप्पू यादव और महागठबंधन की सरकार बनी है, हमारे नेता भी गठबंधन को समर्थन में अपनी बात रखते हैं। चूँकि जो BJP की जो स्थिति है, वो देश और दुनिया में जो हालात है, जो नौजवान, गरीब, छात्र, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जो उन्होंने काम कर रहे हैं, केवल लुभावने वाली बात के अलावा हम समझते हैं कि कोई काम नहीं, इसलिए हम लोग गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं। आपने देखा गुजरात में एक बहुत बड़ी हादसा हुई है, नहीं उसमें भी, हाँ, वो निश्चित रूप से दुख दर्द वाली मामला था, लोगों के साथ ही, जनमानस के साथ ही इतनी बड़ी घटना घटी, 140 लोग मर गए, तो दुख की बात है। लेकिन केवल घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। वहाँ जो सर्टिफिकेट देना था, बिना परमिशन के शुरुआत कर दी पुल को, तो ये सब गलत बात है। वहाँ की सरकार हम समझते कि निकम्बा है, हमारे देखरेख में हो, हम जिला परिषद हों, हमारे क्षेत्र में सब कुछ है, जाके उल्टी पलटी लोग जाके काम करें, और हम खाली कहूँ कि मेरा कोई जानकारी नहीं है, तो ये सरकार का भागने का एक रास्ता होता है और हम समझते कि उचित नहीं। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है। सर लोगों का आरोप ये भी है कि पप्पू यादव सर घूम घूम कर पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं जन अधिकार पार्टी को, लेकिन अभी तक वो उसमें अब जो वो हैं सर, अपने बीवी को, अपने बच्चे को ही ज्वाइन नहीं करवा पाए सर, वे लोग कांग्रेस का झंडा लेकर चल रहे हैं, इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात है अपनी अपनी आइडियोलॉजी होता है, जीने का, रहने का, सेवा करने का। उनकी मैडम कांग्रेस से अभी राज्यसभा की सांसद हैं, उनकी इच्छा कांग्रेस में, विश्वास करती हैं कांग्रेस में है। मतलब पत्नी को ही क्यों विश्वास नहीं है इन पर, अपने पार्टी पर है विश्वास, क्यों नहीं है, ऐसा थोड़े है विश्वास अपने पार्टी से वो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि कांग्रेस में है, वो राष्ट्रीय स्तर का पार्टी है जिसमें हैं, है नहीं, ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस से गठबंधन हो, पहले भी था और आज तो महागठबंधन हो गया है। हम सब लोग को इच्छा है, BJP के खिलाफ में जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा
है नहीं, जन अधिकार पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, और उनके जितने भी समर्थक हैं, उनके जितने भी फ्लोवर हैं, उनके साथ हमेशा खड़ा रहते हैं और खड़ा रहेंगे। लेकिन सर ये जो बाकी जो विरोधी पार्टी हुए पप्पू यादव, उनका तो कहना है कि ये बीजेपी के लिए ही काम करते हैं। क्या कीजिएगा, कहने वाले को हर इंसान अपने लिए काम करता है, अगर नुकसान हो गया तो कह देगा जो बीजेपी के लिए कर रहे हैं जी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, कोई अपना खेती करता है, अपना मूल लगाता है, अपना दाम के फेर में रहता है। ये सब कहने वाले लोगों को, पार्टी के लोग हैं, कहने के लिए लोकतंत्र है। तो क्या सर आने वाले समय में जो जन अधिकार पार्टी है ये सर खुद अपने बल पर चुनाव लड़ेगी सर, या फिर किसी न किसी पार्टी में विलय हो जाएगी, क्योंकि सर इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तीसरे नंबर पर थे? नहीं, विलय का तो कोई सवाल नहीं, चूँकि पार्टी अपनी वजूद ख़त्म नहीं करना चाहता है, पार्टी रहेगा, पार्टी का गठबंधन होगा, पार्टी गठबंधन करेगा, है नहीं। ऐसे महागठबंधन के लोगों ने जो नई विचार आ रही है, जो सुनने को मिल रहा है अभी, तो उस तरह का है बंधन ही सर, पूरे बिहार की जनता भी यही बोलती है। हाँ, तो उस परिस्थिति में जब नया कुछ परिवेश मिलेगा तो नई बात सोची जाएगी, लेकिन आज ऐसा कोई नहीं सोच रहा है कि हमारी जन अधिकार पार्टी किसी पार्टी में विलय कर जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। महागठबंधन पप्पू यादव जी के नेतृत्व के पार्टी को अपने गठबंधन में रखेगा, कुछ जितना सीट मिल पाएगा हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और हम लोग बीजेपी के चाहते हैं, बीजेपी को रहने से इस देश का भविष्य सुरक्षित नहीं। आपने रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, बहुत सारे बेचने का ही काम कर रहे हैं। तो सरकार के मतलब बेचना नहीं होता है, सरकार के मतलब होता है स्थापित करना, फैक्ट्री लगाना और नई चीज़ बढ़ाना। ये 5 किलो अनाज का नाम लेते हैं, गैस सिलेंडर का नाम लेते हैं, ये हम लोगों को दिया है गैस सिलेंडर। आप देहात में जाएंगे तो फिर वही लकड़ी और गोईठा फिर से बना रहे हैं, चूँकि गैस 1100-1200 रुपया हो गया, जूट नहीं रहा तो कहाँ से गैस पे, खाली गैस के सिलेंडर दे देने से लोगों को कल्याण नहीं होगा, लोगों की आर्थिक मजबूती जरूरी है। मतलब सर यही हुआ कि मैंने आने वाले समय में पप्पू यादव महागठबंधन के साथ आ सकते हैं? हाँ, निश्चित।